थाने में पीड़िता से दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई। खेड़ली थाने के एसआई, एसएचओ और एचएम सस्पेंड। सीओ को पद से हटाया। विश्व में उपनेता प्रतिपक्ष बोले महिला दिवस पर गरिमा तार तार हो गई। खेड़ली थाने के अंदर महिला से दुष्कर्म मामले में 4 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। खेड़ली थाने के आरोपी एसआई भरत सिंह, एसएचओ हरमान सहाय और एसएच प्रकाश चंद को सस्पेंड कर दिया है। सीओ अशोक सिंह को पद से हटा दिया है। पीड़िता ने रविवार को एसआई भरत सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद रविवार को ही रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया व एसपी तेजस्विनी गौतम भी थाने पहुंचे थे। पहले दिन रविवार को देर रात तक कार्रवाई जारी रही थी। दोषी को पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरी ओर थाने में दुष्कर्म का मामला विधानसभा में भी गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि महिला दिवस पर गरिमा तार तार हो गई। खेड़ली में रक्षक ही भक्षक बन गए। पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दी थी। इस मामले में एसआई भरत सिंह को जांच दी गई थी। इसने महिला से 3 दिन थाने में ही दुष्कर्म किया है। एसपी ने बताया कि मामला सामने आते ही एसआई को सस्पेंड कर दिया है। गिरफ्तारी पहले दिन हो चुकी है। एसएचओ हरमान सहाय थाने का प्रभारी है। उसकी पूरे थाने के सुपरविजन की जिम्मेदारी होती है। थाने में अंदर महिला से दुष्कर्म होने की घटना सामने आने के बाद उसे भी सुपरविजन में गंभीर लापरवाही मिलने पर सस्पेंड कर दिया है। एसएम प्रकाश चंद्र को पहले दिन सस्पेंड थाने के एसएम प्रकाश चंद्र को पहले दिन ही सस्पेंड कर दिया था। प्रकाश चंद्र ने परिवाद की तारीख में छेड़छाड़ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला ने परिवाद 4 तारीख को दिया और जिसे कटिंग कर 5 कर दिया। इस कारण उसे तुरंत सस्पेंड करना पड़ा। खेड़ली थाना लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में आता है। इस कारण लक्ष्मणगढ़ सीओ को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होती है। घटना के दिन भी रेंज आईजी व एसपी मौके पर पहुंचे। उस दौरान भी उनकी लापरवाही मिली है। इस कारण उनको लाइन हाजिर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।